स्काई न्यूज पंजाब ते इस वेले दी वड्डी खबर, कोरोना टीकाकरण नू लेके केंद्र सरकार ने एक वड्डा फैसला लिता है। हुण 1 मई तो 18 साल तो उपर वाले नू भी कोरोना का टीका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज डॉक्टरां दे नाल एक अहम बैठक की, जिस दे बाद यह अहम फैसला लिता गया है। इस वेले दी वड्डी खबर, हुण 1 मई तो 18 साल तो भी उपर वाले नू कोरोना का टीका लगेगा। तुहानू दस दईए कि 1 मई तो कोरोना टीकाकरण का तीजा पड़ा शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस वेले पूरे देश दे विच कोरोना टीकाकरण का दूजा पड़ा चल रहा है, जिस दे विच 45 साल तो उपर उम्र वाले नू टीका लग रहा है। लेकिन हुण 1 मई तो जदों कोरोना टीकाकरण का तीजा पड़ा शुरू होगा, तो उस तो बाद 1 मई तो हुण 18 साल तो उपर वाले भी कोरोना का टीका लवा सकते ने। स्काई न्यूज़ पंजाब ते इस वेले दी वड्डी खबर, कोरोना टीकाकरण नू लैके केंद्र सरकार ने एक वड्डा फैसला लिता है। हुण 1 मई तो 18 साल तो उपर वाले नू भी कोरोना का टीका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज डॉक्टरां दे नाल एक अहम बैठक की, जिस दे बाद यह अहम फैसला लिता गया। इस वेले दी वड्डी खबर, हुण 1 मई तो 18 साल तो भी उपर वाले नू कोरोना का टीका लगेगा। तुहानू दस दईए कि 1 मई तो कोरोना टीकाकरण का तीजा पड़ा शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस वेले पूरे देश दे विच कोरोना टीकाकरण का दूजा पड़ा चल रहा है, जिस दे विच 45 साल तो उपर उम्र वाले नू टीका लग रहा है। लेकिन हुण 1 मई तो जदों कोरोना टीकाकरण का तीजा पड़ा शुरू होगा, तो उस तो बाद 1 मई तो हुण 18 साल तो उपर वाले भी कोरोना का टीका लवा सकते ने। स्काई न्यूज़ पंजाब ते इस वेले दी वड्डी खबर, कोरोना टीकाकरण नू लैके केंद्र सरकार ने एक वड्डा फैसला लिता है। हुण 1 मई तो 18 साल तो उपर वाले नू भी कोरोना का टीका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज डॉक्टरां दे नाल एक अहम बैठक की, जिस दे बाद यह अहम फैसला लिता गया। इस वेले दी वड्डी खबर, हुण 1 मई तो 18 साल तो भी उपर वाले नू कोरोना का टीका लगेगा। तुहानू दस दईए कि 1 मई तो कोरोना टीकाकरण का तीजा पड़ा शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस वेले पूरे देश दे विच कोरोना टीकाकरण का दूजा पड़ा चल रहा है, जिस दे विच 45 साल तो उपर उम्र वाले नू टीका लग रहा है। लेकिन हुण 1 मई तो जदों कोरोना टीकाकरण का तीजा पड़ा शुरू होगा, तो उस तो बाद 1 मई तो हुण 18 साल तो उपर वाले भी कोरोना का टीका लवा सकते हैं।